जिला सोलन के अर्की निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले विधानसभा चुनावों में नंदलाल ठाकुर भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नंदलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हैं और अब क्षेत्रवासियों की सेवा करना चाहते हैं। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे भाजपा की ओर से टिकट के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि अर्की क्षेत्र की जनता वर्तमान विधायक से नाखुश है, वे भाजपा का कोई और उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र से देखना चाहते हैं। नंदलाल ठाकुर ने कहा कि यदि उन्हें भाजपा की ओर से टिकट दिया जाता है तो वे 1000 लोगों को भाजपा में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वे अर्की के लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का मानना है कि वे तभी भाजपा को सपोर्ट करेंगे जब अर्की से भाजपा का उम्मीदवार बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्की में लोग वर्तमान विधायक को इस चुनाव में नहीं देखना चाहते हैं। ठाकुर ने कहा कि अर्की से उन्हें टिकट देने से भाजपा को ही फायदा पहुंचेगा। मैं अर्की चुनाव क्षेत्र से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर अभी तक जो अर्की चुनाव क्षेत्र की जनता का रुझान है, अर्की चुनाव क्षेत्र की जनता चेंज चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अर्की चुनाव क्षेत्र से भाजपा का टिकट देती है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे साथ मैं अपने साथ भारतीय जनता पार्टी में 1000 नए सदस्यों को और पार्टी में ज्वाइन कराऊंगा, जो कि मुझे आश्वासन भी मिला हुआ है जनता से कि आप एक बार टिकट लेके आइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण करेंगे। जो कि अभी कांग्रेस से संबंधित सदस्य वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है।